आप स्कूल जाते हैं? ओ नहीं जाते, स्कूल है ही नहीं है इधर। हाँ, डर नहीं लगता ऐसे जगह में रहने में? पूछ तो। अंधार, बिजली नहीं, काई नहीं, बिजली बिजली नहीं, पानी पाना नहीं आया आजकल तो, ज्यादा पानी आया बाहर में तो। वहाँ दूर नहीं चले जाते गांव से? यहाँ ले छोड़ के आती नहीं बस ले का है? स्कूल नहीं है तो बस ये है कि मैं वापस पहुँच पाऊँगा कि नहीं। ये वीडियो अगर डल जाएगा तो मेरे लिए बहुत ही बड़ा बात होगा, क्योंकि एक ऐसा रास्ता जहाँ कोई ना कोई जानकारी देने वाला है, रास्ता के बारे में ना कोई जानकारी देने वाला है, और यहाँ के लोग बहुत पिछड़े क्षेत्र में हैं। अधिकतर घर आप ऐसे देख सकते हैं, ये भी एक जीवन है जिसके बारे में अभी तक आपने कल्पना भी नहीं किया हो। डर लगता है इधर? परेशान उसान नहीं करे कोई? यहाँ पर गुड़िया कुछ काम कर रही है, जाने वाले हैं अभी। वाले हैं पानी जहाँ से लेके आते हैं। यहाँ आने पर हमको यहाँ के समस्या के बारे में भैया बताना चालू किए हैं। ऐसे दुर्गम क्षेत्रों में सोच सकते हैं जहाँ कोई आज तक आया ही नहीं होगा मेरे ख्याल से। कैसे भैया, क्या नाम है आपका? गंगूराम। भैया यहाँ कोई आज तक अधिकारी वगैरह आया है? बहुत दूर से है। आप लोग तो यहाँ से बाहर निकलने का नहीं सोचे भैया कभी? अभी मैं था अपने जीवन काल में, मैं इतना दूर कभी नहीं आया। और जहाँ लोग आने से डरते हैं वहाँ मैं लगातार बसेरा बनाते जा रहा हूँ। ये जो क्षेत्र है छत्तीसगढ़ के आखिरी गांव, इसके बाद गांव ही नहीं है, और यहाँ तक पहुँचना इतना आसान भी नहीं है। रास्ता को आप देखेंगे तो शायद भाग ही जाएंगे। कितना भी मेहनत करके बस आगे जाऊँगा जाऊँगा बोलोगे तो फिर भी नहीं जा पाओगे। ऐसा दुर्गम क्षेत्र में मैं आ गया हूँ, और अंदरूनी इलाका और रास्ता भी बहुत ज़्यादा पगडंडी वाला, जहाँ लोग पैदल चलना संभव होता है वहाँ हम धीरे धीरे करके पहुँच गए हैं। और इधर जैसे ही पहुँचे हैं इस क्षेत्र में, अधिकतर घर जो है ऐसे घास फूस का जो लगा है ऊपर में, ऐसा देखने को मिलेगा। और इस क्षेत्र में शिक्षा के क्षेत्र तो लगभग कहीं नहीं है, लोग जानते ही नहीं है। यहाँ अगर आपको पानी पीना है तो नदी का ही सहारा लेना पड़ेगा। ऐसे क्षेत्रों में आना एक बहुत बड़ी बात होती है, बोल सकते हैं हर किसी की बस की बात भी नहीं होती है। और ऐसा कई असुविधा यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। सबसे बड़ी समस्या होती है पानी की। अगर आपको पानी भी पीना है तो नदी का पानी ही आपको पीना पड़ेगा। नदी नाला झरिया जो भी मिलेगा उसका सहारा से ही। आसपास में स्कूल नहीं है तो बच्चे लोग नहीं पढ़ते? हाँ, तो चावल कहाँ मिलेगा खाना? कहाँ? पैदल है जंगल से? जंगल आए का ये पार्क ना सुन जाता है, हाँ पाया है पुंगार पाल है। हाँ, और का मिले सरकार का दिल कुछ मिले? चावर मेरे से लोन में चना उतरे का कुछ नहीं मिले क्या? हैं पैसा मिले ही नहीं? काम बुता? काम बुता वाल नहीं मेरे से नहीं मिले। तो क्या करती हो रोज, क्या करती हो? घर हुई नो नहीं आती घर है घर एक कत घर परिवार है घर का कितरो घर घर मन हम नहीं जानो कितरो औरत के लोग मन तो जानो गिनती लोग मन। आप स्कूल जाते हैं? ओ नहीं जाते, स्कूल है ही नहीं है इधर। हाँ आओ इधर, गांव है गाँव है। गुड़िया कुछ काम कर रही है, और बर्तन को इस अंदाज में लोग रखे होते हैं, पता नहीं ऐसा क्यों रखते हैं। का
गुड़िया शर्मा गई। तो अभी हम पहुंचे थे शहर की, तो अब यहाँ पर बात ही करना अलग है और बात ही करना बेकार है, शहर की तुलना ही करना बेकार है, क्योंकि ऐसे क्षेत्र में है जहाँ बहुत ज़्यादा दूर पर हैं अभी हम लोग, बहुत ज़्यादा पहाड़ी श्रृंखला पर हैं, जंगल पर हैं। तो यहाँ पर कोई मशीनी चीज़ से यहाँ पर चावल का पिसाई नहीं किया जाता, ये लोग मूसर का उपयोग करते हैं पुराने समय के। किधरों घर आसे? अच्छा भैया किधरों घर आसे? चौंतीस घर है। जैसे हमने बात करना शुरू किया इन लोग का हाथ रुक गया, हो गया फिर लोग हम लोग क्या बात कर रहे हैं कह के ऐसे करके लोग पूछ रहे थे। वाह, तो देख सकते हैं दवाई वही लगा है इसमें, बस ऐसे बांध दिया। तो भाई का पैर लग दिया है तो बस उसको बांध दिया है कपड़े से, ऐसा इसका है। तो यहाँ पर तो ये सुविधा मिलता नहीं है, तो यहाँ पानी के लिए बहुत ही बड़ा मशक्कत करना पड़ता है। तो पानी कहाँ से लाते हो भैया, एक बार दिखाओ तो। नाली से लाते। किधर है नाली? नाली चले ने ले जाइए, मुश्किल ज्यादा उधर होता है भैया। अच्छा उधर चलिए दिखे। यहाँ पानी की समस्या है। कितना दूर है? तो भैया हमको लेके जाने वाले हैं पानी जहाँ से लेके आते हैं। यहाँ आने पर हमको यहाँ के समस्या के बारे में भैया बताना चालू किए हैं। ऐसे दुर्गम क्षेत्रों में सोच सकते हैं जहाँ कोई आज तक आया ही नहीं होगा मेरे ख्याल से। कैसे भैया, क्या नाम है आपका? गंगूराम। भैया यहाँ कोई आज तक अधिकारी अगर आया है? नहीं आया, नहीं आया। मेरा जो सोचा था मैं वो सही निकला, वो देख के ही लग गया कि यहाँ कोई अधिकारी आया ही नहीं होगा, क्योंकि ऐसे क्षेत्र। आप लोग तो यहाँ से बाहर निकलने का नहीं सोचे भैया कभी? अच्छा यहाँ से कहीं और चले जाए दूर। तो अभी हम उनको उस जगह पर भैया ले जा रहे हैं जहाँ पर से लोग पानी प्रतिदिन लेके आते हैं, गंदे पानी को पीने को मजबूर है। बहुत खुश है ये लोग, क्यों खुश हैं मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि पहली बार इन लोगों की जो दुख तकलीफ है उसको बताने के लिए कोई आया है, ऐसे करके इनके मन में आस आ गया है और यहाँ की समस्या को बताने का प्रयास कर रहे हैं। ये पहली बार होगा कि कोई पत्रकार हो या फिर कोई इनके सूद लेने वाले हो, चाहे अधिकारी में हो, हम ही लोग पहले व्यक्ति हैं जो इनको समस्या को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि आज भी हमारे छत्तीसगढ़ में ऐसा जीवन जीने को लोग मजबूर हैं। अब बात ये सामने आती है कि वो लोग ऐसे क्षेत्र को छोड़ते क्यों नहीं हैं, जाके शहर की ओर प्लान क्यों नहीं करते। हालांकि जहाँ जन्म लेते हैं उनके लिए स्वर्ग होता है, उनका घर उनका अशियाना होता है, लेकिन ऐसे बहुत सारी तकलीफें हैं जिनको देख के लगते नहीं कि कोई यहाँ जीवन यापन कर सकता है। तो काफ़ी दूर हम पैदल आ चुके हैं और पता नहीं भैया नज़दीक में है क्या, कितना दूर हमको ले जा ही रहे। वो लोग बहुत गंदे पानी पीने को मजबूर है। तो काफ़ी दूर हमको लेकर अभी आ गए हैं और आगे चल ही रहे हैं इस पानी की तलाश में। लगता है हमको खुद पानी की ज़रूरत पड़ जाएगा और हमको खुद उस पानी का सहारा लेना पड़ेगा। तो क्षेत्र में साथ में रहे हैं, छोटी बच्ची जा रही है साथ में। हम किसी वाटरफॉल को देखने नहीं जा रहे हैं, इनकी जनजीवन से जुड़ी रोजमर्रा के जीवन में सबसे बड़ी चीज़ पानी, हर किसी को ज़रूरत होता है। तो कैसे और पानी को पीने को मजबूर है उसको हम आज आपको दिखाने जा रहे हैं। तो नीचे जाना पड़ेगा। अच्छा ये दीदी भी है साथ में, अच्छा वो भी पानी लेने गई है, हल्का हल्का नज़र आ रही है। लेकिन अभी हमारा सफ़र ख़त्म नहीं हुआ है, अभी तो हमको नीचे उतरना पड़ेगा। तो अगर आपको पानी पीना है तो भाई यहाँ तक तो आना पड़ेगा, गर्मी के दिन में ऐसे हालात देखने को मिलते हैं।
अच्छा ओहो अच्छा सरपंच को 2 साल हो गए बता बता थक गए हैं। कलेक्टर पास भी हम लोग दिए आवेदन नहीं लाए हैं। हाँ 2 साल हो गए अभी बता 5 टन हमारा अलवर में खकड़ी पदर से 5 बोरिंग लाना है बोल बोल के थक गए हैं। हाँ दोस्तों ये जो दिखाई दे रहा है मानता नहीं सुनता नहीं। अच्छा।